हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा यादव हेयर फ्रॉम सूरज स्कूल महेंद्रगढ़। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर क्लास थर्ड साइंस लेसन नंबर वन, व्हाट इज इनसाइड द बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑफ दिस लेसन बुक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, फिलअप्स करने हैं बेटा। फर्स्ट है, हेयर कम्स आउट ऑफ टेनी ब्लैंक स्पेस ऑन द स्किन। हेयर कम्स आउट होते हैं कहाँ से? स्किन में जो टेनी होल्स होते हैं बेटा, उनमें से हमारे जो स्किन के ऊपर जो रोए होते हैं, जो रोम होते हैं, वो कम्स आउट होते हैं कहाँ से? तो फर्स्ट में आएगा होल्स, HOLES। टेनी होता है बेटा छोटे, तो टेनी होल्स में से हेयर कम्स आउट होते हैं। छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उनमें से हेयर कम्स आउट होते हैं। नेक्स्ट है, ए लेंस कैन मेक थिंग्स लुक ब्लैंक स्पेस। लेंस जो है वो चीजों को कैसे दिखाता है? बिगर, बिग दिखाता है, बड़ा दिखाता है। थर्ड नंबर पर है, द बोन्स गिव ब्लैंक स्पेस टू अवर बॉडी। बोन्स जो है वो हमारी बॉडी को क्या देते हैं? शेप, आकार देते हैं। ओके, फोर्थ नंबर पर है, ए पार्ट ऑफ द बॉडी विच हैज ए स्पेशल जॉब इज कॉल्ड एन ऑर्गन। एक ऐसा पार्ट हमारी बॉडी का जो एक स्पेशल वर्क करता है, उसे हम ऑर्गन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, द ब्रेन ब्लैंक स्पेस एवरीथिंग वी डू। हमारा जो ब्रेन है कंट्रोल करता है जो भी हम काम करते हैं। तो फिफ्थ वन में आएगा कंट्रोल्स। ओके, नेक्स्ट है सिक्स नंबर पे, द होलो स्पेस बिलो द चेस्ट इज कॉल्ड द ब्लैंक स्पेस। जो चेस्ट के नीचे जो होलो स्पेस है उसको हम एब्डोमेन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? एब्डोमेन मींस पेट। ओके, जो हमारे चेस्ट के नीचे को जो स्पेस होता है जिसमें बहुत टाइप के जो ऑर्गन्स हैं, लाइक हमारा लीवर है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो हमारे जो भी ऑर्गन्स हैं चेस्ट के नीचे का जो पार्ट होता है कंप्लीट, उसको एब्डोमेन बोलते हैं। स्टमक है, ये सारी चीजें टाइटली पैक्ड होती हैं एब्डोमेन में। ओके, सो जो चेस्ट के नीचे का जो होलो स्पेस है वो कंप्लीट एब्डोमेन कहलाता है। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट है, मैच एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। मैच करना है बेटा और सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। ओके, सो फर्स्ट वन इज नर्व्स इनसाइड द स्किन। जो हमारी स्किन के अंदर जो नर्व्स हैं वो किस चीज में हेल्पफुल है बेटा? हेल्प अस फील, हमें फील करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो हमारी नर्व सिस्टम है वो। ठीक है, नेक्स्ट है, ईच हेयर, प्रत्येक हेयर की हैज अ रूट इनसाइड द स्किन। स्किन के अंदर क्या है बेटे? रूट। ओके, नेक्स्ट है, बोन्स एंड मसल्स। बोन्स और जो मसल्स हैं, हमारी जो हड्डियां हैं और जो मांसपेशियां हैं, हेल्प अस मूव, मूवमेंट करने में हमारी हेल्प करती हैं। ओके, नेक्स्ट वन, द बोन्स ऑफ द हेड, जो हेड की जो बोन्स हैं, मेक द स्कल। ठीक है, स्कल कहते हैं बेटा खोपड़ी को। ठीक है, जो हेड बोन्स होती हैं वो स्कल कहलाती हैं। नेक्स्ट वन, ब्लड फ्लोज थ्रू, ब्लड जो है वो फ्लो करता है किसके द्वारा? ब्लड वेसल्स के द्वारा, राइट? जो हमारी वेन्स जो होती हैं, जो नस जो होती हैं, उनमें से हमारा ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेट किन के द्वारा होता है? ब्लड वेसल्स के द्वारा। नेक्स्ट है, इनसाइड आवर बॉडी फूड एंड एयर। बॉडी के अंदर जो फूड और जो एयर है आर कैरीड बाय ब्लड, ब्लड के द्वारा वो कैरी किया जाता है। ठीक है, ब्लड में फूड पार्टिकल्स और एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो मिलकर के पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं और फिर हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। ओके स्टूडेंट, सो नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बेटा आपने इस बुक एक्सरसाइज में अपने क्वेश्चन आंसर्स हैं वो डिस्कस कर रही हैं हम। आंसर दीज, फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फाइव सेंस ऑर्गन। फाइव जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर रही हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, फाइव सेंस ऑर्गन्स बेटा हमारे कौन कौन से होते हैं? नोज, आई, ईयर, टंग, स्किन। ओके, हमारे फाइव सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं? नोज, आई, ईयर, टंग, स्किन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इन अवर बॉडी पंप्स ब्लड। हमारी बॉडी में ब्लड जो है, ब्लड को पंप कौन करता है? हार्ट। ओके, हार्ट की स्पेशल जॉब क्या है? ब्लड को पंप करना। नेक्स्ट है, व्हाट लाइज इनसाइड द स्कल। जो स्कल है हमारी खोपड़ी है उसके अंदर कौन सा ऐसा ऑर्गन है? ब्रेन। ओके, सो राइट आंसर इज ब्रेन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू लंग्स डू। लंग्स क्या काम करते हैं? ओके, बेसिकली बेटा लंग्स हमें
हेल्प करते हैं ब्रीथिंग करने में, ओके okay? सांस लेने में. व्हाट डू द लंग्स डू? सो राइट आंसर इज हेल्प अस टू डू ब्रीथिंग, सांस लेने में हमारी हेल्प करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ व्हाट यूज इज द फैट अंडर अवर स्किन? हमारी जो स्किन के अंडर जो फैट है वो क्या काम करता है, किस चीज में हमारे लिए यूजफुल है? जो स्किन के अंडर बेटा जो फैट अवेलेबल होता है वो किस चीज में हेल्पफुल है? सो इट कीप्स अस वार्म, वो हमें हमारी बॉडी को वार्म रखता है, गर्म रखता है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे.